आलम वालों, अगर तुमने यहाँ के मोमोज नहीं खाए तो यहाँ के मोमोज आके एक बार ट्राई करना। क्या नाम है इसका? नाम है दुकान का सोशल क्रंची। यहाँ पे तो यहाँ पे आके तुम एक बार ट्राई करना। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, मैं शिवम, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी शेड्यूल प्लानिंग चल रही है, क्योंकि डेली व्लॉग्स की वजह से थोड़ा सा मैं पैनिक हो जा रहा हूँ। तो भाई अब सोने का टाइम हो चुका है, सोने से पहले बस हमारे पास दो काम है, थोड़ी सी प्लानिंग बची हुई है, उस प्लानिंग को कम्प्लीट करते हैं एंड अब बस मेडिटेशन करनी है, उसके बाद सो सकते हैं हम। देखो मेडिटेशन के काफ़ी फायदे हैं, अगर किसी को स्ट्रेस वगैरह होता है, मतलब किसी को चीज़ को टेंशन है, तो भाई दिन में दो बार ही करो, खाली पेट भरे पेट जैसा तुम्हारा मन करे वैसा तुम कर सकते हो। तो चलो यार सोने का टाइम हो चुका है, निकलते हैं। सुबह के 10 बजे हैं, अब अपने दिन की शुरुआत करते हुए तो मैं सुबह उठा एक बारी 6 बजे, एक बारी उठा मैं 7 बजे, एक बारी उठा मैं 8:30 बजे एंड अब 10 बज रहे हैं। हाय रे सर्दी, क्या क्या करवाएगी तू? तो भाई खाली चाय है, खाली चाय मैं पीता नहीं, मेरी आदत नहीं। आलू के पराठे बनाते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें सिखाएगा कि आलू के पराठे कैसे बनाते हैं। मिर्च अपनी कट गई, प्याज अपने कट गए, आलू में मसाला हमने मिक्स कर दिया है, अब आटा देखना पड़ेगा आटा कहाँ है। आलू के पराठे की सीक्वेंस थोड़ी सी डिले कर देते हैं, क्योंकि जितना आटा रखा है उस हिसाब से छोटे छोटे दो आलू के पराठे बन पाएंगे एंड मेरे जैसे जानवर के लिए मेरे को बड़े बड़े 4-5 चाहिए। तो जब तक मम्मी नहीं आती तब तक इंतजार कर दे। मम्मी आ गई है, अब आटा भी गुद गया है, अब हम आलू के पराठे बनाने स्टार्ट कर सकते हैं। भाई की स्किल्स देखो। हाँ तो भाई अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक गोल आलू का पराठा कैसे बना सकते हैं। तो आज खाना की बजाना के एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे गोल आलू का पराठा कैसे बनाते हैं। खैर मेरे को भी नहीं आता, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट के गोल बने। बाकी अगर गोल नहीं बनता है तो कोई नहीं यार, भारत के नक्शे में खूब छापे हैं। तो भाई सबसे पहले आपको अपने पेड़ों पे आटा लगाना है, देन उस पे घुमाइए, फिर यहाँ पे पलटिए, फिर घुमाइए, फिर यहाँ पे पलटिए, फिर घुमाइए। अब इसमें आपको आलू की फिलिंग भर देनी है, मुट्ठा भर लीजिए एंड देन रोली 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 रोली। तो भाई साहब रोड़ा मच चुका है यहाँ पे, देख रहे हो आप कैसी चक्री सी घुमा दी हमने इसमें। देख रहे हो क्या मस्त सुंदर गोल पराठा बेला है तुम्हारे भाई ने, क्या मस्त मक्खन सेका है यार। कसम से यार अगर ये पराठा लड़की होती ना तो ये ना पराठों की दुनिया की अलेक्जेंडर डडारियो होती। मतलब देख रहे हो क्या गोलाई है, क्या सिका है, क्या कलर है। पलट जा पलट जा पलट जा, आहा पलट गया, क्या बात है। पराठा बिल्कुल कड़क सिखा है, मजा आ गया, बाकी भी ऐसे ही बन जाए काश। तो अभी जस्ट आया पापा का कॉल, पापा ने पूछा होर भाई क्या बना रहे हो, मम्मी ने बोला आलू के पराठे, कह रहे क्या बात है। मम्मी ने बोला फिर मैं बना रहा हूँ, कह रहे क्यों खराब करवा रहे हो। तो अभी मैं मम्मी से टेस्ट चेकिंग करवाऊंगा एंड आई विल गिव यू द ऑनेस्ट रिव्यूज। खैर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं सही बताऊं मैंने 1.5 महीना पहले ही सीखे आलू के पराठे, तो आई एम नॉट परफेक्ट एंड रोटियां बेलनी मैंने उससे 2-3 हफ्ता पहले सीखी थी बस। मम्मी अब बस इसको खाओ एंड मेरे को मतलब टेस्ट करके बताओ कि मतलब कैसा बना है, एंड कुछ दिक्कत होगी तो वो भी बताना, ठीक है। बाकी अगर आप ये बोलोगे कि पराठा गोल नहीं है तो ऊपर वाले दो गोल हैं, नीचे वालों का नक्शा छाप रखा है मैंने, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस के मम्मी क्या बोलती है। धक 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 धक, कैसा लगा? पक्का पास?
पास कर दिया कि भाई पराठे A1 बने हैं, गोल भी है एक आधे इस बारी। तो यार अभी 2:30 बजे का मेरा ट्यूशन है, फिर ट्यूशन से आके मैं इस क्लिप को एडिट करूँगा, तो ये वाला ब्लॉग तुम्हें थोड़ा सा लेट मिलेगा। तो चलो यार मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बस यार ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा सही लगा। अगर तुम्हें और वीडियोस देखनी है तो यार तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल होगी, उस नोटिफिकेशन की बेल को दबा देना क्योंकि पूरा महीना मेरे डेली व्लॉग्स आने वाले हैं, तो यार तुम एक व्लॉग मिस ना करो, इसलिए नोटिफिकेशन की बेल दबा के रखना। एंड पराठे मैं भी खाऊंगा यार, मेरे को भी भूख लग रही है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। प्याज ज्यादा था पनीर मोमोज में, सही बना है, बाकी सब कुछ सही है। भाई तो कंप्लेंट से बंदा आगे बढ़ता है, बिल्कुल बोलो जय माता दी।